पीछे ये करके zoom zoom दिल सेक्सी सेक्सी आ रहा हूँ आ चुका है राधे फिल्म के फोर्थ सॉन्ग जूम जूम फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। हेलो नमस्कार, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल राउंड वाले न्यूज में। मैं हूं सुजीत। इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं सलमान भाईजान की फिल्म राधे का फोर्थ सॉन्ग को लेकर, जिसका टाइटल है जूम जूम। और ये भी सॉन्ग होने वाला है साजिद वाजिद का। और बात की जाए इसके जो लिरिक्स हैं कुणाल वर्मा है। और फाइनली इस सॉन्ग पे आप लोग को सलमान भाईजान के साथ यहाँ दिशा पाटनी फिर से थिरकते हुए नजर आने वाले हैं। मगर इस बार कुछ लोकेशन होने वाला है अलग, क्योंकि इस लोकेशन के बारे में बात करें तो इसमें कई सारे स्पॉट कार यूज किए गए हैं इस सॉन्ग पे। साथ में सलमान भाईजान की काफी एकदम कह सकते हैं जो वो एकदम ग्रेट लुक देखने को मिलने वाली है, जो आप लोग सोच सकते हैं। जैसे आप लोग को बता दूं सलमान भाईजान की फिल्म राधे में कुछ हटकर आप लोग को हर सॉन्ग में कुछ हटकर आप लोग को लुक देखने को मिली है, उसी तरह से इसमें आप लोग को भी राधे फिल्म के फोर्थ सॉन्ग में भी आप लोग को कुछ हटकर ये देखने को मिलने वाली है सलमान भाईजान और दिशा पाटनी का लुक। वेल मेकर्स द्वारा अभी तक सलमान भाईजान फिल्म राधे से अभी तक राधे फिल्म के ट्रेलर, कई सारे मेकिंग वीडियो, पोस्टर और 3 सॉन्ग रिलीज किया गया है, वो भी वीडियो वाला। जी हाँ, ऑडियो सॉन्ग तो फुल रिलीज कर दिया गया है, जो 4 सॉन्ग होने वाले राधे में वो सारे रिलीज कर दिए गए हैं। मगर वीडियो सॉन्ग में आप लोग को सीटी मार, साथ में दिल दे दिया और तीसरे सॉन्ग तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि राधे का टाइटल ट्रैक। और फाइनली इसके फोर्थ सॉन्ग जूम जूम अब रिलीज होगी। जी हाँ, अब कह सकते हैं जो 1 से 2 दिनों के बीच में ही रिलीज कर देंगे इसके भी वीडियो सॉन्ग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 13 मई को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और मेकर्स के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिस बीच इसके कई सारे और भी प्रोमो भी रिलीज करना है और कई सारे पोस्टर, कई सारे ऐसे से आप लोग को डायलॉग प्रोमो भी रिलीज होने वाले हैं। तो आप लोग को बता दूं मेकर्स पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिस कारण से ये सॉन्ग जल्दी आने वाली है। और आप लोग को ये अपडेट कैसी लगी, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है राधे फिल्म के फोर्थ सॉन्ग के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताते जाएं।